नमस्कार मित्रों, आज 16 सितंबर 2019 हिंदू अखबार के विश्लेषण के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आज अपेक्षाकृत आज हिंदू अखबार में खबरों का आपको जो सिलसिला है वो थोड़ा सा कमज़ोर दिखेगा, बहुत ज़्यादा विषय नहीं है, इसलिए इंडियन एक्सप्रेस से भी हमने कुछ चीज़ों को शामिल किया है। अगर पहली खबर हम ध्यान दें, हिंदू के फ्रंट पेज पर ही आपको सऊदी अरब में जो तेल के कुछ बड़े प्रतिष्ठान थे उन पर जो ड्रोन हमले की खबर है और इसके कारण पूरी दुनिया में जो तेल की उपलब्धता है, कच्चे तेल की उपलब्धता, उसको लेकर जो संकट हमें दिखाई दे रहा है उसके संदर्भ में ये खबर थी। सऊदी टू टैप ऑयल रिजर्व्स आफ्टर अटैक्स ऑन प्लांट्स। आप इस हमले के एक तो राजनीतिक पहलू को हम देखेंगे, सामरिक पहलू को देखेंगे और आर्थिक पहलू को भी देखेंगे। सऊदी अरब, जैसा कि हम जानते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है और काफ़ी कुछ जो तेल की उपलब्धता दुनिया में है वो सऊदी एक्सपोर्ट्स पर निर्भर है। ऐसे में ये जो हमला, ड्रोन अटैक हुआ है, जो अभी भी थोड़ा सा स्पष्टता है, हालांकि अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि इसमें ईरान का सीधा या प्रत्यक्ष हाथ निश्चित दिख रहा है। हाउदी विद्रोही जो यमन में जो लड़ रहे हैं उन्होंने खुद ही जिम्मेदारी ले ली कि हमने ये हमला किया है, लेकिन अमेरिका ये मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका इसके पीछे ईरान के हाथ की प्रबल संभावना दिखा रहा है। क्यों गंभीर बात है? क्योंकि इस हमले के बाद आप इस खबर में पाएंगे कि 5.7 मिलियन बैरल 5.7 मिलियन बैरल पर डे इतनी तेल आपूर्ति बाधित होगी। ये छोटी मोटी संख्या नहीं है, क्योंकि जो टोटल वैश्विक जो तेल की ग्लोबल क्रूड सप्लाई है उसका 6% ये राशि आपको दिखती है। अब अगर टोटल सप्लाई का 6% बाधित हो जाए, वो भी क्रूड ऑयल जैसी चीज़ का जिसका कि डेली और आवरली जो प्राइस फ्लक्चुएशन है वो बहुत मैटर करता है। एक संभावना जो विश्लेषक दिखा रहे हैं कि इस कमी के चलते हो सकता है शॉर्ट टर्म में जो कच्चा तेल है उसकी उसकी जो लागत है, कॉस्ट है, वो $100 तक पहुंच सकती है। अब अगर इंडियन इकोनॉमी पर क्रूड के कच्चे तेल के इम्पैक्ट को आप एनालाइज करें तो ये जैसे ही 70 के उस पार जाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था का तेल निकलने लगता है, ऐसा कहा जाता है। तो 100 की संभावना आप समझ सकते हैं इंडियन इकोनॉमी को इससे कितने जिटर्स, कितना झटका इससे लग सकता है। तो ये घटना सऊदी अरब की है, लेकिन इसके बहुत गहरे निहितार्थ आपको भारत के लिए भी दिखेंगे। अब एक और बात, ये जो कंपनी है अरामको, जो सऊदी अरब की जो सबसे बड़ी तेल कंपनी भी है, दुनिया की भी सबसे बड़ी तेल कंपनी है, इसका भारत के रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ टाई अप भी है। तो इससे इंडिया में भी जो थोड़ा सा कॉरपोरेट इकोनॉमिक जो व्यवहार है उस पर एक सीधा अंतर आपको दिखेगा। आज शेयर बाजार में रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो स्थिति है उससे भी आपको इसका अंदाज़ा होगा। खैर, थोड़ा सा सुखद बात यह है कि जब भी इस तरह का हमला होता है तो जो भी तेल निर्यातक देश है वो आश्वस्त करना चाहता है दुनिया को कि हमारे पास व्यवस्था है, हमारे पास विकल्प है। तो यहाँ पर सऊदी अरब ने कहा है कि उन्होंने कई बिलियन डॉलर लगाकर जो अंडरग्राउंड भूमिगत जो तेल भंडारण व्यवस्था बना रखी थी उसमें कई मिलियन बैरल तेल कहते हैं संरक्षित है, वो उससे भरपाई करना चाहेंगे इस कमी की। लेकिन जो इस विषय के जानकार हैं उनका मानना है कि ये आंशिक सफलता तो हो सकती है लेकिन पूरी भरपाई करना मुश्किल होगा। दूसरी गहन चिंता की बात कि इस जो पूरा घटनाक्रम है इसको कुछ दिनों में नहीं बल्कि कई हफ्ते लग जाएंगे जब सऊदी अरब दोबारा उसी प्रोडक्शन आउटपुट को बहाल कर सके जो इस हमले से पहले, यानी कल से पहले, जो देखा जा रहा था। इसी खबर को आगे बढ़ाते हुए आप देखेंगे 14वें पेज पर फिर इसका भी आगे एक और खबर को तफसील से रखा गया है। हेडलाइन है कि ईरान ने अमेरिका के उस आरोप का खंडन किया है कि वो इन हमलों के पीछे है। ईरान रिजेक्ट्स यूएस चार्ज दैट इट वाज बिहाइंड अटैक्स ऑन सऊदी ऑयल प्लांट्स। अब यहाँ पर सीधे तौर पर हमने
अभी एक दो दिन पहले कक्षा में भी इस बात की चर्चा की थी कि एक बोल्टन साहब के जाने के बाद एक बड़ा घटनाक्रम हो सकता है कि ईरानी राष्ट्रपति और ट्रंप साहब की अभी अमेरिका में एक अच्छी भेंट वार्ता हो जाए, समिट हो जाए, और हो सकता है ईरान के साथ जो परमाणु समझौता अमेरिका ने एक तरफा तौर पर रद्द कर दिया था उस गतिरोध से हम कुछ आगे बढ़ सकें। लेकिन ये हमला उस अवसर को, उस अपॉर्चुनिटी को एक तरह से बहुत धूमिल बना देता है। ऐसे एक तरफा कार्रवाई के बाद जब अमेरिका खुद कह रहा है, स्पष्ट कह रहा है कि ईरान का हाथ है, तो ये बैठक धूमिल दिखती है। लेकिन आप देखेंगे व्हाइट हाउस के प्रवक्ता हैं कॉनवे साहब, उन्होंने ये ज़रूर बोला है कि भाई थोड़ा सा स्थिति नकारात्मक ज़रूर हुई है, लेकिन हम रूल आउट नहीं कर सकते इस बैठक को, ये बैठक हो सकता है कि हो जाए। अब आर्थिक पक्ष मैंने आपको बता दिया कि तेल के दामों में आग लगने की पूरी संभावना है। दुनिया वैसे ही एक आर्थिक मंदी या बहुत ही स्लो डाउन का शिकार है, रिसेशन हमारे सर पे मंडरा रहा है। ऐसे में तेल का इतना, मतलब तेल के मूल्य का इतना फ्लक्चुएशन होना, ये इस स्थिति को और भी गंभीर बनाएगा। पॉलिटिकल इसका इम्पैक्ट मैंने बता दिया कि जो ईरान अमेरिका या ईरान और शेष दुनिया के बीच जो थोड़ा स्थिति संभलती लग रही थी, वो हो सकता है कि इस घटनाक्रम के बाद और नकारात्मक हो जाए। ओवरऑल हमें दिखता है कि ये हो सकता है ऐसी शक्तियों के द्वारा किया गया हो जो नहीं चाहते कि ईरान और शेष दुनिया के बीच बातचीत हो। आप अगर मेरा संकेत समझ पा रहे हो, तो कौन सी वो शक्तियां हैं बोल्टन के जाने से किन देशों को या किन शक्तियों को इससे नुकसान हुआ, उस एक पॉसिबिलिटी को भी कहीं अपने दिमाग में रखिए। ये आर्टिकल में नहीं लिखा है, ये मेरा अपना विश्लेषण है। हो सकता है कुछ दिन बाद ऐसी खबरें आपको सुनने को मिलें, देखने को मिलें कि हमले के पीछे कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे देश थे, हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं वो, लेकिन हो सकता है इसमें कोई बड़ा एक ग्रैंड कैनवस हो जो हम अभी अखबारों के माध्यम से ना देख पा रहे हों। तो ये पूरा घटनाक्रम था। इंडियन एक्सप्रेस ने भी इस खबर को बहुत ही मजबूती से शामिल किया है, आप ये न्यूज़ क्लिपिंग देख सकते हैं। हालांकि इसमें उन्होंने इम्पैक्ट बताया है कि ये जो ट्विन स्ट्राइक्स हुई सऊदी अरब में तेल प्रतिष्ठानों पर, वो क्यों महत्वपूर्ण हैं, और ये सारे बिंदु वही हैं जो इस तेल की अरिथमेटिक को, कितना तेल पर डे निकलता है, उसमें कितना एशिया को भेजा जाता है, एशिया का मतलब हो गया चीन, भारत, साउथ कोरिया जैसे देश, जापान जैसे देश, तो इसका ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट होगा, वो हम समझ सकते हैं। इन संख्याओं को याद करने की ज़रूरत नहीं, समझ को हमें मजबूत करना है कि ये पूरा जो विषय है ये कितने गंभीर अपने लिए अर्थ रखता है। तो ये पहली खबर थी, सऊदी अरब में तेल प्रतिष्ठानों पर ड्रोन हमला। मित्रों, दूसरी खबर आज जो हम परीक्षा के हिसाब से ले रहे हैं, ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो कल्चर या जो संस्कृति वाला पक्ष है उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट आधार है, थोड़ा दिलचस्प भी है। आप देखिए भारत में सांस्कृतिक जो बिंदु हैं वो कितना देश के दक्षिणी छिरे सिरे पे आप देखेंगे, केरल जैसे राज्य में क्या आधार है इस पूरे पर्व का, आयोजन का, तो इसको पूरी संपूर्णता में थोड़ा सा समझते हैं। अरनमुला में आप देख रहे हैं कि स्नेक बोट्स की जो सर्पाकार आकृति की जो नावें होती हैं, इनकी रेस होती है, इंटरनेशनल इसको कवरेज मिलता है, काफ़ी विख्यात है। तो पहले तो मूल सवाल जो प्रारंभिक परीक्षा में है, इसको उथरिट्टथि वल्लमकलि रेस के नाम से जाना जाता है, तो प्री में पूछ ले कि उथरिट्टथि वल्लमकलि क्या है या किस भाग में इसको मनाया जाता है, या मैच दी फॉलोइंग में इस तरह के इवेंट्स दे दिए जाते हैं कि अमुक चीज़ कहाँ पर होती है। तो एक छोटे से इस घटनाक्रम को दिमाग में रखिए कि उथरिट्टथि वल्लमकलि ये स्नेक बोट रेस है जो केरल में मनाई जाती है। अब कोई भी इस तरह का जो सांस्कृतिक पर्व है, जो इस तरह की कोई भी मान लीजिए खेल की ही स्पर्धा है, इसके पीछे देखिए कल्चरल लीनिएज कितना बड़ा है, इसकी सांस्कृतिक संदर्भ को समझिए।
किंवदंती है, मतलब ऐसी चीज़ों के आधार ऐसे ही मिथक के तौर पर देखे जाते हैं, किंवदंती है कि इस क्षेत्र में जो कि केरल का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर एक ब्राह्मण हुआ करते थे जो भगवान पार्थ सारथी के भक्त थे, उनकी पूजा करते थे, और उन्होंने एक इस बात को संकल्प के तौर पर रखा कि मैं ओणम के दिन, मैं जो मलयालम का चिंगम महीना होता है, इसमें ओणम होती है, इसके दिन मैं ब्राह्मणों को, एक ब्राह्मण को कम से कम रोज़ भोजन कराऊंगा, और उनकी इस लगन को देखते हुए उनके स्वप्न में, उनके विजन में लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण आए और उन्होंने कहा कि तुम इस चीज़ को और व्यापक करो, और अरनमुला पार्थ सारथी टेम्पल जो है, अरनमुला पार्थ सारथी टेम्पल नाम भी ध्यान रखिएगा, इसमें तुम हर वर्ष जाकर इसको, इस भोज को बड़े स्तर पर कराओ। तो जमींदार थे ब्राह्मण, संपन्न आदमी रहे होंगे, तो रहे होंगे मतलब ये सब मिथक की बातें हैं, हम इसको खाली कल्चरल एस्पेक्ट से समझ रहे हैं, ऐसा हुआ नहीं हुआ इसका कोई आधार नहीं है, आस्था का विषय है। लेकिन उन्होंने इसको बड़े स्तर पर करना शुरू किया, और जब वो ये सारा इतना बड़ा भोज है तो उसका जब सामान वामान सब लेकर जब वो अपने यहाँ से इस मंदिर में, अरनमुला मंदिर में जाते थे, तो एक बार हमला हुआ उनके ऊपर, कुछ लुटेरों ने हमला कर दिया, और तब जो वहाँ के स्थानीय लोग थे वो अपनी अपनी नावों में सवार होकर जल्दी से वहाँ पहुँचे और उस पूरे उस लूटपाट को रोका और उस परिवार की, ब्राह्मण परिवार की रक्षा की जो वहाँ पर भोज आयोजित करते थे पार्थसारथी टेम्पल में। तो इस संदर्भ में ये एक वहाँ पर प्रचलन हो गया, रिवाज हो गया कि जो भी वहाँ के स्थानीय जो समुदाय हैं, अलग अलग ट्राइबल्स या अलग अलग जो समुदाय हैं, सांस्कृतिक समुदाय, वो बड़ी आकर्षक सजी धजी सर्पाकार अपनी नावों को लेकर आते हैं और उनके बीच ये ओणम के अवसर पर ये एक प्रतिस्पर्धा होती है। तो कहने की बात ये कि किसी मिथकीय संदर्भ को वर्तमान से जोड़ते हुए ये सुंदर सा उथरिट्टथी वल्लम कली जो ये पूरा आयोजन होता है केरल में, ये एक भारत के सांस्कृतिक संदर्भ को बहुत दिलचस्प रूप से हमारे सामने रखता है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आज की तीसरी खबर जो वल्चर कल्चर, हाउ द बर्ड वॉज सेव्ड फ्रॉम एक्सटिंक्शन, तो ये एनवायरनमेंट या पर्यावरण पारिस्थितिकीय विषय से संबंध रखने वाली एक और महत्वपूर्ण खबर है। इसमें कुछ सूचनाओं को हम लोग जोड़ते हैं, प्रिलिम्स के हिसाब से हम प्रमुखता इस चीज़ को कर रहे हैं। प्रिलिम्स में वल्चर्स पर और डाइक्लोफेनाक पर बार बार प्रश्न पूछा गया, तो इसमें कुछ नई बातें, और चूंकि ये वल्चर को प्रिजर्व करने का जो वल्चर सेंटर्स बनाए गए थे वो धीरे धीरे बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको काफ़ी मान्यता भी मिली है, तो हम कुछ सूचनाओं को इसमें जोड़ते हैं। केवला देव नेशनल पार्क राजस्थान में, उसमें एक वाइट बैग्ड वल्चर, जो आपको तस्वीर में भी ये दिख रहा है, वाइट बैग्ड वल्चर आपको इसमें एक दिखा केवला देव नेशनल पार्क में, जिसको बचाया गया, संरक्षित किया गया, और फिर उसको जब पिंजौर में वल्चर केयर सेंटर खोला गया था वहाँ पर इसको, इसके ऊपर थोड़ा अनुसंधान करने के लिए कि क्यों, क्योंकि वो समय था जब बहुत तेज़ी से गिद्धों की, वल्चर्स की संख्या बहुत तेज़ी से रिड्यूस हो गई थी। एक समय ये बिल्कुल 99% ख़त्म हो गए थे और विलुप्त, एकदम एक्सटिंक्ट होने की कगार पे थे, तो एकदम दहलीज से जहाँ पर ये विलुप्त हो जाते वहाँ से इनको वापस, इनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। और इस पूरे काम में ये जो वल्चर केयर सेंटर्स हैं, जो पहला सेंटर आप देख सकते हैं पिंजौर हरियाणा में बनाया गया था, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, उसी योगदान पर केंद्रित ये न्यूज़ आइटम है। आप देख सकते हैं कि 40 मिलियन हुआ करते थे 80 के दशक में, और 2009 आते आते ये कुछ हज़ार खाली रह गए थे, फ्यू थाउजेंड्स वर लेफ्ट, तो बहुत तेज़ी से इनकी संख्या में क्षरण हुआ। अब ये कहता है न्यूज़ आइटम कि वल्चर कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर्स, आप ये ध्यान रखिएगा VCBC, वल्चर
सेंटर्स एंड ब्रीडिंग सेंटर्स ये बाद में 9 और खोले गए, पहले खाली पिंजौर में था, फिर 9 और खोले गए, और इनका जो पूरा संचालन है वल्चर केयर और ब्रीडिंग सेंटर्स का, ये बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ये इसका पूरा इसको एडमिनिस्टर प्रशासित करता है। तो थोड़ा सा नाम आपको लगेगा कि ये तो हिस्ट्री विस्ट्री का काम करने वाली संस्था है, पर स्टेटमेंट्स जो प्री में आते हैं तो गलती नहीं करनी। ये बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ये इस तरह एनिमल ब्रीडिंग और एनिमल कंजर्वेशन के क्षेत्र में काम करती है। आज इन VCBCs में 700 से ऊपर वल्चर्स को संरक्षित करके रखा गया है, धीरे धीरे कर इनको इनके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ा जा रहा है, तो काफ़ी उल्लेखनीय ये काम कर सकते हैं। अब PT के हिसाब से एक महत्वपूर्ण सूचना जोड़िएगा, आपसे पूछे कि वाइट बैग्ड, लॉन्ग बिल्ड और स्लेंडर बिल्ड ये किस एनिमल की प्रजातियां हैं, किस जानवर की प्रजातियां हैं। तो वाइट बैग्ड, लॉन्ग बिल्ड और स्लेंडर बिल्ड ये वल्चर की प्रजातियां हैं, तो इस बात को ध्यान रखना है। प्रीलिम्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सूचना आपको इस लेख में मिलेगी। आगे इस न्यूज़ आइटम में बताया गया है कि 2004 में इन ब्रीडिंग सेंटर्स या इन कंजर्वेशन सेंटर्स के आने के बाद जो एकदम विलुप्त होने की कगार पे वल्चर्स थे उनकी संख्या में काफ़ी अभिवृद्धि हुई है, हमने पहले भी इसकी चर्चा करी। डाइक्लोफिनैक, वल्चर्स की संख्या में इतनी ड्रास्टिक कमी क्यों आई, जब उसका कारण पता चला तो डाइक्लोफिनैक नाम की एक दवा है जिसको वल्चर्स की तेज़ी से समाप्ति का मूल कारण माना गया। ये दवा जानवरों को, कैटल्स को, खासतौर से दुधारू पशुओं को इन्फ्लेमेशन के लिए, जो उनके चोट के कारण जो अंगों में सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन के लिए डाइक्लोफिनैक दी जाती थी, और फिर जानवरों की लाशों पर ही, आपको पता है गिद्ध का वही एक भोजन है, और इसी रूप में पारिस्थितिकीय तंत्र में गिद्ध बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इन सड़ी गली लाशों को समाप्त करने में, उससे कोई इन्फेक्शन वहाँ पर बीमारियाँ ना फैलें इन कैरकसेस के कारण, ये गिद्धों का एक बड़ा पारिस्थितिकीय रोल रहा है। तो इनकी संख्या में कमी आना इस तरह के संक्रामक रोगों में बढ़ोतरी को भी जन्म देता रहा है। तो ये जो डाइक्लोफिनैक ड्रग है इसको 2008 में प्रतिबंधित कर दिया गया, उसके बाद वल्चर कंजर्वेशन को और भी सहायता मिली है। एक और बात ध्यान रखिएगा कि हिमालयन ग्रिफॉन ये भी एक वल्चर कंजर्वेशन सेंटर में इसका भी संरक्षण हुआ, ये भी एक स्पीशी है इसकी। तो हिमालयन ग्रिफॉन को कंजर्व करके इनको जब हैबिटेट में उनके मूल जो निवास है उसके लिए छोड़ा गया, तो ये कुछ समय के बाद पूरी तरह अडैप्ट हो गए वहाँ पर, आराम से अपने प्राकृतिक जो रहने की जगह है वहाँ पर इनको देखा गया, और ऐसे में ये भी सिद्ध हो गया कि एक लंबे समय तक अपने नेचुरल हैबिटेट से बाहर रहने के बाद ये फिर अपने मूल निवास में आसानी से अनुकूलित हो जाते हैं। प्री के लिए एक और इम्पॉर्टेंट सूचना ये जोड़िएगा, तो यहाँ पर लिखी है PTT, प्लेटफॉर्म ट्रांसमिटिंग टर्मिनल्स। आपसे पूछ सकता है PTT किस बात से संबद्ध है, तो प्लेटफॉर्म ट्रांसमिटिंग टर्मिनल्स ये बेसिकली जो ऐसे वल्चर्स या और भी कुछ ऐसी एक्सटिंक्ट हो जाने की संभावना रखने वाली स्पीशीज हो सकती हैं एनिमल्स की, तो ऐसे में PTT एक तकनीक है जिससे कि आप ऐसे संरक्षित पशुओं को जब आप छोड़ देते हैं वापस उनके प्राकृतिक आवास में, तो उन पे नज़र रखने के लिए ये एक तकनीक है। तो प्लेटफॉर्म ट्रांसमिटिंग टर्मिनल्स और इनकी भूमिका, इसको भी हम लोग इस न्यूज़ आइटम में देख सकते हैं। अगला जो लेख है ये भारत की अर्थव्यवस्था पर जो एडिटोरियल आज हिंदू अखबार में आया है उससे संबद्ध है, वेटिंग फॉर रिफॉर्म्स। इसका मूल आधार आप जानते हैं, पिछले 2-3 हफ्तों से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बार बार जनरली फ्राइडेज को कुछ अनाउंसमेंट्स कर रही हैं जो सुधारों पर केंद्रित हैं,
इंडियन इकोनॉमी में जो थोड़ा सा एक नकारात्मकता या थकावट का जो दौर दिख रहा है, जिसे मंदी माना जाए या ना माना जाए, इस पर देश भर में बहस है। इन मुद्दों को लेकर ये एडिटोरियल इस बिंदु पर हमको ले जाता है कि अभी भी रिफॉर्म्स का इंतज़ार है, यानी सीधी सी बात कि जो रिफॉर्म अब तक प्रस्तावित हुए, रिफॉर्म्स क्या हुए उसको भी समझते हैं। एडिटोरियल में जो चिंता जताई जा रही है उसको भी हम देखते हैं। एडिटोरियल कहता है कि अब तक ऑटोमोबाइल सेक्टर को ऊपर दोबारा पुनर्जीवित करने के लिए कुछ घोषणाएं हुई। इसके अलावा जो विदेशी निवेशक जो बजट में उनको जो हाई कैपिटल या जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं उनको लेकर जो कुछ टैक्सेस लगा दिए गए थे उससे वो नाराज थे, वो वापस ले लिया गया, तो उनको खुश करने का प्रयत्न हुआ। उसके बाद बैंकों की खस्ता हालत है तो बैंकों को लेकर हमें कुछ उनके मर्जर्स और उनमें उनके रीकैपिटलाइजेशन की कुछ घोषणाएं हुई कि बैंकिंग व्यवस्था थोड़ा सा मजबूत हो। ये तमाम चीज़ें जो चल रही हैं इनके संदर्भ में ये एडिटोरियल मानता है कि ये बहुत लघु प्रयत्न रह जाएंगे, और अभी जो सबसे ताज़ा जो भी घोषणा करी है निर्मला सीतारमण जी ने, जो एक्सपोर्ट्स पर और रियल एस्टेट पर फोकस है। कुछ टैक्स रिफंड स्कीम उन्होंने प्रस्तावित करी है जिससे कि एक्सपोर्टर्स को थोड़ा सा कुशन मिले, उनकी थोड़ा सा स्थिति बेहतर हो और शायद निर्यातों को इससे हम बढ़ा सकें। और रियल एस्टेट जो वाकई बहुत बुरी स्टेट में है देश भर में, उसको लेकर सरकार ने माना है कि हम कुछ तो उनको बाहर से विदेशों से फंड पैसा जुटाने में उनको सहायता देंगे, और सरकार खुद ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग में आते हैं, निम्न आय वर्ग मध्यम आय वर्ग के लिए जो प्रोजेक्ट्स थे फंस गए और जिसमें ठीक ठाक स्तर तक काम हो चुका है, उसके बाद जो डेवलपर है उसके पास पैसा नहीं है तो वो प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो रहे और कंकाल उनके ढांचे जो हैं वो खड़े हुए हैं। तो 10,000 करोड़ रुपए सरकार इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए खर्च करेगी, तो इससे शायद रियल एस्टेट गति पकड़े। 50,000 करोड़ रुपए सरकार के राजस्व पर बोझ पड़ेगा जो वो टैक्स सॉप्स या टैक्स ब्रेक्स एक्सपोर्टर्स को दे रहे हैं, उनको जो कर संबंधी छूट दे रहे हैं, इससे 50,000 करोड़ रुपए सरकार को राजस्व में क्षति होगी। ध्यान रखना है इस बात का कि सरकार पहले ही राजस्व के मामले में बहुत एक टाइट रोप पर, बहुत एक संक्रमणकालीन स्थिति में है। ऐसे में राजस्व जहां जहां से भी इस मात्रा में कम हो रहा है तो वो सरकार के लिए आगे राजस्व घाटा कैसे ठीक रहेगा उसके लिए एक चुनौती है। खैर, इसमें अब मुद्दे की बात आती है कि भाई इन सुधारों के पीछे तर्क क्या है, रैशनल क्या रहा है, सरकार क्या करना चाहती है। तो तर्क ये साफ तौर पर दिखता है कि राजकोषीय थोड़ी सहायता, फिजिकल रिलीफ देकर इकोनॉमी में थोड़े प्राण फूंकने के प्रयत्न सरकार कर रही है। राजकोषीय मतलब कर संबंधी छूट, जिससे कि थोड़ा इंसेंटिव्स हो, थोड़ा सा आकर्षण हो जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह से जुड़े लोग हैं और देश की इकोनॉमी में थोड़ी जान आए। सरकार स्पेंडिंग को थोड़ा बहुत बढ़ाकर, ये जो सारे प्रयत्न होंगे इससे थोड़ा सा स्पेंड खर्च सार्वजनिक व्यय करने की बात है, पर ये सब कॉस्मेटिक मेजर्स। आपने मॉनेटरी पॉलिसी को थोड़ा सा लूज आउट किया, यानी रेपो में जो लगातार कमी आई इससे थोड़ा लिक्विडिटी बाजार में हो गई, पर ये सारे जो कॉस्मेटिक छोटे मोटे प्रयत्न हैं एडिटोरियल के अनुसार, उससे इस गंभीर भारतीय अर्थव्यवस्था के संकट से हम निपट नहीं सकते, ये संपादकीय का मानना है। यहाँ पर किया क्या जाए इस मुद्दे पर एडिटोरियल कहता है कि जो बहुत चर्चित शब्दावली है L2 रिफॉर्म्स, यानी लैंड रिफॉर्म्स और लेबर रिफॉर्म्स, जब तक ऐसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को इकोनॉमी में आप पढ़ते हैं, ढांचागत आर्थिक सुधार, स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जब तक ये बड़े बिग पैकेट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं होंगे, तब तक खाली आप
फिजिकल स्टिमुलस देकर, राजकोषीय कुछ सहायता देकर इस इकॉनमी को तेजी से ऊपर नहीं उभार सकते। एडिटोरियल मानता है कि पिछले पांच क्वार्टर्स में तिमाहियों में लगातार जीडीपी में क्षरण दिख रहा है, कमी दिख रही है। इसको सरकार चाहे तो साइक्लिकल, एक चक्रीय परिघटना मान ले, जो इकोनॉमीज में होती है। इकोनॉमी में साइकिल होता है, हमेशा जीडीपी ग्रोथ ऊपर नहीं जाती, एक साइकिल में उसमें क्षरण भी दिखता है। लेकिन एडिटोरियल का मानना है कि ये एक ऐसी अवस्था को दिखाता है जब ऐसी सरकार जो प्रचंड बहुमत से लगातार दूसरी बार आई है, उसको थोड़ा साहस करना चाहिए, उसे L2 रिफॉर्म्स करके बड़ा एक मजबूत कदम उठाना चाहिए, तब शायद हम इस आर्थिक अवस्था को बदल सकें। अब ये अलग बात है, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जब ये L2 रिफॉर्म्स होंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है लेबर और लैंड रिफॉर्म्स का, तब हिंदू सरकार के उस कदम का कितना समर्थन करेगा, कितना उसमें अच्छाई देखेगा, ये अलग बात है। पर अभी जो नहीं हो रहा है वो होना चाहिए, ये कह के सरकार की निंदा तो हम कर ही सकते हैं। तो नो डाउट ये रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन देश में इनको करने के लिए जितना साहस चाहिए वो ये सरकार भी अभी नहीं उठा पा रही, जो वैसे बहुत साहसिक काम करने के लिए हम सबको हमको लगातार दिख रहा है। तो इस बिंदु पर ये लेख हमारा ध्यान आकर्षित करता है। मित्रों, अगला जो हम एडिटोरियल या जो हम संपादकीय ले रहे हैं, लेख ले रहे हैं, ये के बालाकेसरी साहब ने लिखा है, जो कि पूर्व रेलवे बोर्ड के, स्टाफ रेलवे बोर्ड के सदस्य रहे हैं। और हालांकि, मतलब अगर सीधे दृष्टि से देखें तो इसमें परीक्षा के लिए आपको लगेगा कि थोड़ा सा एक पीड़ित व्यक्ति जो रेलवे में बड़े स्तर पर काम करता रहा, और कुछ रेलवे का आंतरिक ऐसा घटनाक्रम चल रहा है जिससे ये हताश हैं। फिर चंद्रयान 2 में अभी इन्होंने एक और संस्था को, जिस तौर पर राष्ट्र में बहुत हर घर में रात देर रात तक बैठकर चंद्रयान 2 को जिस प्रकार लोगों ने अपने जीवन से जोड़ लिया कि ये मिशन सफल होगा या नहीं होगा, ये तमाम चीज़ें मिलकर इनको एक तुलना करने पर मजबूर करती हैं। बहुत संक्षेप में इस लेख के भाव को समझिएगा, थोड़ा सा हमें आइडिया रहे कि क्या रेलवे में कुछ चल रहा है। ये वंदे भारत जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट ये भी प्रयोग था, और इसके लगभग एक साल पूरे होने वाले हैं। पिछले साल अक्टूबर 18 में इसको ऑफिशियली प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया था, इस ट्रेन को ट्रेन 18 नाम से। और सिर्फ 18 महीने में भारत इस पूरी व्यवस्था को निर्मित करता है। तो बालाकेसरी साहब एक तुलना हमारे सामने रख रहे हैं कि आप चंद्रयान 2 को और उसकी उपलब्धियों को, हालांकि वो जो मूल उपलब्धि थी वो हम हासिल नहीं कर पाए, तब भी जिस तरह पूरे देश ने उसका उत्सव मनाया, उनका ये कहना है कि आप देखिए ट्रेन 18 को लेकर हेडलाइन क्या है, मिशन सक्सेसफुल एंड प्रोडक्ट डिफंक्ट। मिशन तो बहुत सक्सेसफुल माना गया, बहुत इसकी चर्चा हुई, लेकिन जो अंतिम तौर पर प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं अभी डिफंक्ट है। तो बात को समझते हैं, वो ये कह रहे हैं कि इसरो और भारतीय रेलवे, इनमें वैसे तुलना करना जैसे सेब और संतरे के बीच तुलना करना, यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल विद ऑरेंजेस। लेकिन वो ये कहते हैं कि ये दोनों संस्थाएं सार्वजनिक क्षेत्र की बहुत महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, अपने अपने क्षेत्र में बहुत उल्लेखनीय काम कर रही हैं। इसरो हमेशा मिशन मोड में काम करता है। मिशन मोड होता है जब एक डेडिकेटेड टारगेट होता है, डेडिकेटेड टीम होती है, टाइमलाइन होती है, रिसोर्सेज होते हैं, और आप उसको काम करते हैं। रेलवे बालाकेसरी साहब के अनुसार प्रमुखतः मेंटेनेंस मोड में काम करता है, उसको बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क चलाना है। हाँ, कभी कभी कुछ क्रांतिकारी, कुछ बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं तो उनको मिशन मोड पर चलाया जाता है। ट्रेन 18 ऐसा ही मिशन मोड प्रोजेक्ट था। अब वो देखिए, जब इनकी उपलब्धियों की तुलना करते हैं तो बताते हैं कि अगर चंद्रयान 2 सॉफ्ट लैंड कर जाता, विक्रम जो हमारा लैंडर था, तो हम दुनिया की 3 सबसे बड़ी शक्तियों के समानांतर जाकर बैठ जाते,
ये हमारी उपलब्धि होती। हम नहीं भी वो कर पाए तो भी हम चोटी की 4-5 अंतरिक्ष शक्तियों में इसरो के कारण शामिल हैं। वो सवाल नहीं उठा रहे चंद्रयान की उपलब्धियों पर, वो खाली माइंडसेट या काम करने का जो नज़रिए में अंतर है या जो अंतर समाप्त होना चाहिए, इस बिंदु पर वो हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये ट्रेन 18 भी जो रिकॉर्ड समय में पूरी हुई, और ये आप जानते हैं कि ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चलने में सक्षम है और सिर्फ 18 महीने में इसको बनाया गया, तो भारत इस उपलब्धि के साथ भी दुनिया की 6 चोटी की जो शक्तियां हैं उनके साथ जाकर खड़ा हो गया। तो ट्रेन 18 भी छोटी बड़ी उपलब्धि नहीं है। अब आगे उनका मूल एक चिंता जो आती है उसको समझते हैं। ये पूरा सब कार्यक्रम जब चल रहा था, जब पूरा ट्रेन 18 को जब डेवलप किया जा रहा था, तो चूंकि ये मिशन मोड में काम हो रहा था जिसमें तेजी से काम होता है, और रेलवे में काम करने का एक अलग एक ढांचा रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार वगैरह से बचने के चक्कर में बहुत सारे नियम कानून, ऑर्डर्स कैसे प्लेस होंगे, टेंडर्स कैसे आएंगे, ये सब बहुत जटिल था। उसको सरल बनाया गया क्योंकि बहुत कम समय में इस बड़ी उपलब्धि को हासिल करना था। तो जब ट्रेन 18 औपचारिक तौर पर जब लॉन्च हुई, उसके पहले ही जो कुछ कंपनीज को जो प्रोपल्जन सिस्टम बनाती थी उनको जो टेंडर या उनको जो ठेका दिया गया, उसको विवादित बनाकर एक बड़ी जांच हुई, और जो पूरा इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई में ये बनी है, आपको पता होना चाहिए, वहाँ पर जो मुख्य निदेशक थे उनको इस पूरी जांच में कहीं मतलब वो फंस गए, और अंततः स्थिति ऐसी बनी कि जो व्यक्ति इस पूरे प्रोजेक्ट के केंद्र में था, वो व्यक्ति जब ट्रेन 18 का इनॉग्रेशन हुआ तो उसको निमंत्रण तक नहीं भेजा गया। अब मैं नहीं जानता बाल केसरी साहब का उनके साथ या उस विभाग के साथ क्या लेना देना है, कुछ थोड़ा सा इसमें लगता है व्यक्तिगत तौर पर उनको काफ़ी इससे दुख हुआ है, लेख में दिखता भी है, पर हम ये समझें परीक्षा के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप रेलवे को कोई इतना बड़ा काम करने के लिए अगर मिशन मोड में आप उसको बोलते हैं, तो उसके बाद थोड़ा सा नीतिगत उदारता बरतनी होगी। रेलवे में क्या है कि अंदर एक दर्जन के करीब और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, RDSO अलग है, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्रीज अलग हैं, इस तरह से काफ़ी सारे विभाग हैं, और उन सब विभागों में आपस में बड़ी खींचतान है, मैं बड़ा कि तू बड़ा, वो जो सरकारी कंपनियों में होता है, विभागों में होता है। तो ऐसे में ये ज़रूर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि आज ये स्थिति हो गई है कि ट्रेन 18 के संदर्भ में सरकार ने बोला है कि हम बाहर से जो भी बाहरी शक्ति भारत में आकर यहाँ निर्माण करना चाहती है डिब्बों का और बाकी तकनीक का, इंजन्स का, उनको हम सहायता देंगे, और एक तरह से राष्ट्र में जो ट्रेन 18 का पूरा जो मेड इन इंडिया का जो पूरा संदर्भ था वो कमज़ोर होता पड़ रहा है। तो हम इन इंटर डिपार्टमेंटल जो बॉटलनेक्स हैं, अंतर विभागीय जो जटिलताएं हैं, इनको हल करें जिससे कि ट्रेन 18 जैसा महत्वाकांक्षी अभियान ऐसा ना हो कि कहीं समय से पहले ही ये हमारे लिए उपलब्धि की जगह एक बोझ बन जाए। तो इस एक महत्वपूर्ण बिंदु पर ज़रूर ये लेख हमारा ध्यान आकर्षित करता है। अगली दो खबरें, अंतिम दो खबरें जो आज हमको, एक हिंदू से है, एक मैंने इंडियन एक्सप्रेस से ली है, क्योंकि वो काफ़ी चर्चित विषय रहा और उस विषय पर हमें सिर्फ एक पक्ष देखने को मिला, तो एक बहुत अच्छा दूसरा पक्ष जो हमें उस मुद्दे पर दिखता है वो हमें समझना है। पहली खबर, भारत ऑस्ट्रेलिया अपने रणनीतिक संबंधों को अगले स्तर पर ले जाने के लिए, उनमें प्रोन्नयन के लिए निकट भविष्य में समझौता करेंगे, सिर्फ सूचना मात्र है। बाकी जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नवंबर में ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, ये समझौते होंगे, तो फिर अखबार में विस्तार से इस पर आएगा, तब इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ इतना हम अपनी सूचना में जोड़ लें कि
राजनाथ सिंह साहब ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करके वहां पर बेसिकली एक तो लॉजिस्टिक्स को लेकर और एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग को लेकर, सूचनाओं को साझा करने को लेकर बड़े समझौते वहां पर हो सकते हैं। लॉजिस्टिक्स शब्द सुनते ही आपको ये तुरंत आपको रजिस्टर हो जाना चाहिए, पहले से अगर आप अखबार पढ़ते रहे होंगे। हमने अमेरिका के साथ एक बहुत बड़ा समझौता किया था जिसका नाम था लेमोआ, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट, जो अमेरिका फाउंडेशन अग्रीमेंट करता है अपने प्रबल रक्षा सहयोगियों के साथ। उन फाउंडेशन अग्रीमेंट्स में बहुत बड़ा समझौता है। लॉजिस्टिक्स का मतलब है खासतौर से रक्षा क्षेत्र में जो भी आपकी संपूर्ण रक्षा तैयारी या रक्षा विकल्प जो कभी आप अपनाएंगे उसमें जो जो अवयव, जो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे आपके मिलिट्री बेसेस, जैसे आपके नेवल बेसेस, एयरफोर्स बेसेस, आप इस तरह की चीज़ों को जब आपस में साझा करने के लिए, लॉजिस्टिक्स को एक्सचेंज करने के लिए समझौता करते हैं, इसमें डिफेंस इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी भी आती है, तो ये दिखाता है कि आप रक्षा के संदर्भ में किस प्रकार एक बहुत बड़ा एक नया समीकरण बन रहा है। और अगर भारत के लॉजिस्टिक्स समझौतों को पिछले कुछ महीनों में देखें तो अमेरिका से यात्रा शुरू हुई थी, उसके बाद जापान इसमें शामिल हुआ, दक्षिण कोरिया से लॉजिस्टिक्स का समझौता है, अब ऑस्ट्रेलिया से होने जा रहा है, तो आपको सीधे तौर पर क्वाड की संकल्पना, जिसको बार बार हम लोग चर्चा करते हैं, क्वाड की संकल्पना इन समझौतों की शक्ल में ज़मीन पर आकार लेती जा रही है। ये सब इंडो पैसिफिक पर केंद्रित बहुत विस्तृत रणनीति है जो चीन को यहाँ प्रतिसंतुलित करने के लिए बन रही है। तो बाद में जब ये समझौता होगा तब इसकी और मीमांसा और पड़ताल करेंगे। फिलहाल के लिए भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों के इस नए आयाम को हम लोग देख सकते हैं। आखिरी खबर आज जो ले रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस से, इसके बिंदुओं को हम देखते हैं। कुछ दिन पहले बहुत सुर्खियों में था ZBNF, ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट, ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट, इस पे बहुत कुछ लिखा गया इसके महत्व को लेकर। ऑर्गेनिक कृषि की बात होती है, उसका भी अगला चरण है। ज़ीरो बजट का मतलब है कोई भी लागत नहीं आएगी, प्राकृतिक तौर पर बिना रासायनों का, उर्वरकों का प्रयोग करे हुए किसान को बहुत न्यूनतम लागत पर बहुत अधिकतम उपज मिलेगी। ऐसे पवित्र पावन जो सारे विकल्प जो आते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरे दुनिया में क्रांति होने वाली है। साहब, कोई फर्टिलाइज़र, कोई पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं करना, किसान को लागत ही ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी कृषि की। ये सब चीज़ें अच्छी हैं, इस दिशा में प्रयत्न होता है, पर इंडियन एक्सप्रेस का ये जो न्यूज़ आइटम है ये हमें वैज्ञानिक तौर पर कुछ आधार देता है कि ये सब इतना आसान भी नहीं है, ये सब इतना प्रभावी भी नहीं है। हम ZBNF को इम्पॉर्टेंट तो माने क्योंकि सरकार, प्रधानमंत्री खुद इसकी वकालत कर रहे हैं, लेकिन इन तथ्यों को भी अपने अध्ययन परंपरा में स्थान दें। देश में जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं उनका प्रमुखतः ये मानना है, उनकी जो बॉडी है जिसने बोला है, कि ये अनप्रूवन टेक्नोलॉजी है, इसके वैज्ञानिक कोई अभी आंकड़े नहीं हैं कि ZBNF से आप उत्पादन में कोई वृद्धि या कम से कम जितना उत्पादन हो रहा है उतना भी उत्पादन आप कर सकते हैं। नो डाउट इसके पीछे कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या आपकी ज़रूरत जो कृषि उत्पादन की है क्या वो इससे पूरी होगी, ये यक्ष प्रश्न हमारे सामने खड़ा है। ये आर्टिकल कहता है कि अगर 60 के दशक के मध्य से देखें तो भारत का जो खाद्यान्न उत्पादन है वो 80 से 85 मिलियन टन हुआ करता था, जो 280 मिलियन टन से अधिक हो गया, तीन गुना से ज़्यादा, 80 से 85 मिलियन टन से
280 मिलियन टन से अधिक हो गया। आप अगर दूध के उत्पादन की बात करें तो ये भी 20 मिलियन टन से 176 मिलियन टन हो गया। व्हाइट रिवॉल्यूशन हम सब ने जाना है। इसी प्रकार अगर सब्जियों का, फलों का, मीट का, अंडों का, गन्ने का, कपास का भी उत्पादन देखें तो उसमें एक सिग्निफिकेंट, एक प्रभावी हमको विकास क्रम दिखता है। अब ये सब कैसे हुआ? ये जो उत्पादन में इतनी अगर वृद्धि ना आती तो आप कल्पना करिए कि भारत की आबादी के हिसाब से हम अपनी ज़रूरत के लिए कहाँ खड़े होते। इस पूरी उपलब्धि के पीछे बड़ा एक श्रेय है क्रॉस ब्रीडिंग को, जिससे कि इम्प्रूव्ड प्लांट स्पीशीज़, एनिमल स्पीशीज़ आपको मिली। केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से आपका कृषि उत्पादन बढ़ा, हरित क्रांति। हालांकि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आईं जिसको हरित क्रांति का आप ड्रॉबैक, उसका दोष मानते हैं। इसके अलावा जो क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स होते हैं उनके कारण आपको ये उपलब्धि मिली। तो खाली हम ये मान लें कि ये सब फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करके हम बर्बाद हो गए, ये भी सही सोच नहीं होगी। इनका प्रयोग नियंत्रित हो, आवश्यकता के भीतर हो। ऐसा ना हो कि सरकार सब्सिडी देती है तो अंधाधुंध आप इनका प्रयोग करें। ये सब होना चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए। लेकिन ये भी ना दिखाया जाए कि इन सब ने हमको सिर्फ हानि पहुंचाई, हम उत्पादन के लिए इनको यथोचित, इनका महत्व समझें, ये भी बात हमको ध्यान रखनी होगी। इस न्यूज़ आइटम में कहा गया है कि अगर IR8, ये चावल की एक प्रजाति थी जो उत्पादन की दृष्टि से बहुत उल्लेखनीय मानी गई, अगर IR8 चावल की प्रजाति ना होती, यूरिया ना होता, क्लोर पाइरीफोस ना होता या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ना होता, तो हम शायद अपनी उत्तरजीविता को लेकर गंभीर संकट में फंसे रहते। अब जीरो बजट पर आते हैं इसके बाद। इस पूरे न्यूज़ आइटम में सुभाष पालेकर साहब, जिनको ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का जनक माना जाता है, इन्होंने ही इसके पूरे आयामों को दुनिया के सामने या कम से कम भारत में इसको रखा है। उनका ये कहना है कि नाइट्रोजन, सुभाष पालेकर साहब का कहना है, ये ZBNF का मूल एक पीछे का वैज्ञानिक सिद्धांत है कि नाइट्रोजन जो प्लांट की, जो पेड़ की वृद्धि में सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो वायुमंडल में मुफ्त में बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। नाइट्रोजन आप जानते हैं 78% हमारा जो आवरण है गैसों का, उसमें नाइट्रोजन है, तो ये फ्री में उपलब्ध है। लेकिन हमें ये भी तो समझना होगा कि ये नाइट्रोजन एक नॉन रिएक्टिव, गैर क्रियाशील, आप नाइट्रोजन को लिखते ना N2, यानी डाईएटॉमिक, नॉन रिएक्टिव फॉर्म में उपलब्ध है। ये प्लांट अपने आप नहीं एब्जॉर्ब कर सकते कि हवा में नाइट्रोजन है तो प्लांट ने एब्जॉर्ब कर ली। इसके लिए आपको इसको फिक्सेट करना पड़ेगा, इसको किसी रूप में मृदा में शामिल करना होगा, जिसको फिक्सेशन बोलते हैं। अब अमोनिया या यूरिया यही काम तो करते हैं। आप खाली ये दिखा कर कि नाइट्रोजन 78% है, पर वो कैसे प्लांट की ग्रोथ के लिए उसको आप यूजेबल बनाओगे, ये उस नीति में कहीं बहुत स्पष्ट नहीं होता। आप जो काउडंग, काउ यूरिन, इन सब के उपयोग की बात करते हो, उससे क्या परिणाम होगा, ये भी आंकड़े आपको आगे पता चलते हैं। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि नाइट्रोजन को फिक्सेट करने के लिए ही यूरिया अमोनिया की ज़रूरत पड़ती है, यही प्लांट ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट इन फर्टिलाइजर्स में देखा जाता है। इसके अलावा वो कहते हैं कि एग्रीकल्चर, ये सवाल भी इस तरह पूरा आ सकता है, एग्रीकल्चर कैन नेवर बी ज़ीरो बजट, कृषि कभी भी शून्य बजट की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। क्यों? वो कहते हैं कि आप कुछ भी करो, आप सीड ट्रीटमेंट करो, आप इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट करो, आप गोमूत्र, गोबर, इन सब का प्रयोग करो फर्टिलाइजर के तौर पर, ये सब करने के लिए भी आपको लेबर और बाकी कॉस्ट आएगी, तो ये कहना कि ये ज़ीरो बजट है,
ये शायद सही नहीं होगा। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट सूचना वो देते हैं इस लेख में कि अगर गोबर की बात करें तो उसमें सिर्फ 3% नाइट्रोजन होती है, जबकि यूरिया में आप 46% नाइट्रोजन देखते हैं। तो 3% और 46% में बहुत अंतर है, तो यही अंतर आपको उस प्लांट की ग्रोथ पे दिखेगा। इसके अलावा फास्फोरस की बात करें तो गोबर में 2% फास्फोरस है, और जब आप डाई अमोनियम फॉस्फेट का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल है, उसमें 46% आपको फास्फोरस मिलेगा। इसी प्रकार पोटेशियम की बात करें, एक और न्यूट्रिएंट जो प्लांट को चाहिए, गोबर में 1% मिलेगा और पोटाश जो किसान उपयोग में लाते हैं उसमें 60% आपको पोटेशियम मिलेगा। तो बहुत अंतर है, आप जो ये 46%, 2%, 60%, 1%, ये सामान्य अंतर नहीं है। इसलिए जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग आउटपुट के हिसाब से शायद बहुत अंतर उत्पन्न कर दे, और इसका जो इतना गुणगान किया जा रहा है शायद वो लाभप्रद नहीं होगा। अंत में इस बात पर भी लेख प्रकाश डालता है कि हर अच्छी तकनीक को, जैसे ग्रीन मैन्योरिंग, जैसे वर्मी कंपोस्टिंग, ये सब तकनीकें आप कृषि में या भूगोल में पढ़ते हैं जिसमें आप थोड़ा पर्यावरण मित्र तकनीकों के माध्यम से कृषि का विकास करना चाहते हैं, सबको बल दिया जाए, ये कोई गलत चीज़ें नहीं हैं, लेकिन भारत की जो कृषि आवश्यकता है उसको केंद्र में रखकर खाली हम हवा हवाई बात ना करें, हम रियलिस्टिक बात करें कि कृषि उत्पादन के लिए आज भी आपको इंसेक्टिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करना होगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, ये ना हो कि कहीं सब्सिडी सरकार बहुत देती है, इस चक्कर में अंधाधुंध आप इसका प्रयोग करें। अंत में लेख इस बात पर ख़त्म होता है कि हमें किसान पर छोड़ देना चाहिए, उसको सारे विकल्प उपलब्ध हों। वो नॉन ऑर्गेनिक कृषि करना चाहता है, ऑर्गेनिक कृषि करना चाहता है, या ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग उसको पसंद आती है, तो सरकार तीनों के लिए प्रयत्न करे। लेकिन हम इन अंतरों को भी ध्यान में रखें जो इन तमाम चीज़ों में दिखता है। तो आज का सफ़र यहीं तक, मैं फिर आपसे गुजारिश करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कल के अखबार के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।